नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। अब गरीब परिवार एक बार फिर सिपाल में ही गुजारा करने को मजबूर है। लाठी डंडा लेकर धमके दबंगों ने पीड़ित के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। गेहूं चावल छीट दिया, केले पपीते के हरे पेड़ों को तोड़कर गिरा दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत थानाध्यक्ष अहरला से की। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लोगों के हाथों में लाठी डंडा और एकजुट होकर गाली गलौज की धमकी दे रहे हैं। वही गन्ने की पत्ती धू धू कर जल रही है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रिसिया ने बताया कि मौके पर चौकी प्रभारी को जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो फोटो असलाह के साथ वायरल हो रही है वह पुरानी है, फिर भी मामले की जांच पड़ताल कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या करें थाने पर आइए। हमारे जो है कि हमारे गांव वाले हमारे घर पे हंगामा कर रहे हैं, जो हमारे बगल में है। कौन कौन, क्या नाम आपका? सुजोर किशोर, संतराज, संदीप, प्रकाश, बबलू। अच्छा, साहब यह सिलेंडर उन्टर ना लगा। क्या कर रहे हैं आपके घर पे, क्या कर रहे हैं? हमारे घर पे हमला बोला है, जैसे है ये है कि लाठी डंडा लेकर मारने आया है, जमीन की विवाद है। हाँ, आप दो तीन दिन से यही लफड़ा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे घर पे हमारी आवाज आज यही हुआ कि हम लोग घर पे नहीं थे, हमारे घर पे कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, और आकर आग लगा दिए, हमारा लकड़ी उठा ले गए। और जो है कि कहाँ पे आग लगा दिए? हमारे घर पे आकर, हाँ हमारे घर पे आके लकड़ी जला दिए, पपई जला दिए और सरसों जला दिए, क्या है, हाँ चावल बहुत छीट दिए। हमारा इंजन जनरेटर था, वो भी इस तरह के ले जा रहे थे, वो गया नहीं, भारी है इसलिए वो गया नहीं। क्या क्या आपका मतलब नुकसान किया घर में, आपका सब खाने पीने का सामान? हाँ, हमारा चावल गेहूँ छीट दिए, और जो है कि हमारा पेड़ भी केला पेड़ था और पपीते और सब पेड़ भी तोड़ दिए, हरा हरा पेड़ तोड़ दिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे इस कार्रवाई किया जाए। हाँ, उनके ऊपर। ये अरला थाना क्षेत्र में धनेश पट्टी गांव है, यहाँ पर राजभरों की बस्ती है। उन्हीं बस्ती के बीच में दो लोगों के, दो पक्षों के बीच जो है आपसी विवाद, और एक खाली पड़ी बड़ी है जो छोटी थी उसमें आग लगने का वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसमें थाने द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए माहौल चौकी इंचार्ज मौके पर गए हैं और थाना प्रभारी सर्विस में मौके पर जाकर जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई है इसमें करेंगे। इसमें सर एक लड़की की अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल है, क्या है? अवैध असलहे के साथ जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल है उस फोटो पर प्रथम दृष्टया जांच करी गई, जांच में पाया गया ये फोटो लगभग 4 साल पुराना है, ये फेसबुक अकाउंट से हुआ था। वर्तमान में वो लड़का गाँव में नहीं है, वो दिल्ली में है, और आगे इसमें जो भी जांच होगी उसमें हर तरह कार्रवाई की जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।